SBI PO एग्जाम, क्या SBI PO को क्लियर करने के लिए हमें रोज 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा? बेस्ट सोर्सेज क्या है प्रिपरेशन करने के? क्या प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए? स्पीड कैसे बढ़ेगी, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देने चाहिए या प्रिपरेशन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको अपने मॉक टेस्ट देने चाहिए? यही सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए एंड आपकी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी एंड एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिसे आज से फॉलो करके आप सिलेक्शन ले जाओगे इसी साल SBI PO एग्जाम में। Hi, this is Ashutosh Sharma. I have cleared SBI PO and IBPS PO, both exams in my first attempt with my own strategy. Maximum students गलत तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलते हैं, गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, गलत सोर्सेज फॉलो करते हैं एंड उनके मन के डाउट्स कभी क्लियर नहीं हो पाते, इसीलिए वो लोग SBI PO के प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। एंड जो स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर भी कर लेते हैं वो लोग मेंस में फेल हो जाते हैं क्योंकि गलत सोर्सेज और गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करके वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने घंटे पढ़ना नेसेसरी है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि 18 आवर्स का एक मिथ है ये कि 18 आवर आपको पढ़ना पड़ेगा, 16-18 घंटे पढ़ने पे ही सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने खुद सिलेक्शन लिया है। डेली मैं 4-5 घंटे अपनी प्रिपरेशन करता था। आज जो अभी टाइम है आपके पास, अगर आप आज से 4-5 घंटे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो कर लोगे आप इजीली क्लियर कर जाओगे। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो 4 घंटे भी दे, दैट इज मोर देन इनफ, प्रोवाइडेड आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्या प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हमें एक साथ करनी है? यस, प्रीलिम्स और मेंस की आपको एक साथ करनी है। जब आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा तो रफली 1 month के बाद आपका मेंस हो जाएगा। सो आफ्टर प्रीलिम्स यू कैन नॉट थिंक अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। अभी से आप दोनों चीजों की एक साथ इजिली प्रिपरेशन कर लेंगे। मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी देने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है? बेस्ट सोर्स क्या है प्रिपरेशन का? मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि बुक्स यहां से ले लीजिए, इस सब्जेक्ट की वहां से बुक्स खरीद लीजिए, इस टीचर की पेड क्लास ले लीजिए। मैं आपको एक सिंगल सोर्स दे रहा हूं जिससे आपकी प्री और मेंस दोनों की सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसी कोर्स को फॉलो करके मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे बैंक एग्जाम्स क्लियर करे थे। 2021 में जब मैंने बैंक एग्जाम्स दिए थे तो मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन इसी एक कोर्स से करी थी, फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो ये SBI PO एग्जाम क्लियर करने के लिए इनफ है, ठीक है? क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है उस पे आते हैं। स्पीड कैसे बढ़ेगी, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? जब आप मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी को आज से स्टार्ट करोगे तो विद टाइम योर स्पीड विल इंक्रीज एंड योर एक्यूरेसी विल ऑल्सो इंक्रीज। मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो करी थी। जो स्टूडेंट इसे आज से फॉलो कर लेगा ही विल डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड दिस ईयर इटसेल्फ, ठीक है? मैं आपको एक सब्जेक्ट वाइज प्लान दे रहा हूं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सब कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है हमेशा से, तो मैं इंग्लिश में कैसे स्कोर कर पाऊंगा, मेरी तो इंग्लिश वीक है, मुझे बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है। इंग्लिश अगर आपकी वीक भी है वो नहीं रहेगी अगर आप आज से बताया हुआ मेरे जो प्लान है इसको आज से स्टार्ट करोगे, ठीक है? सबसे पहली चीज क्या है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स, जो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, उनके पास ये ऑलरेडी है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो इसको लेके आज से स्टार्ट कीजिए। पूरा प्लान जो मैं आपको बता रहा हूं इजिली आप इसी एक कोर्स को फॉलो करके कवर कर जाओगे और कुछ आपको लेने की नीड नहीं है, ठीक है? तो इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है, इस कोर्स के अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डिजिटल बुक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उससे आपको डेली 5 सेट प्रैक्टिस करने हैं RC के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको SBI PO के एग्जाम में मिलेंगे इन इंग्लिश इट विल बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इस बुक में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा एग्जैक्टली एग्जाम लेवल का। जब आप एग्जाम देने जाओगे एग्जैक्ट इस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आप कोर्स के अंदर ई बुक से प्रैक्टिस करके गए होंगे, ठीक है? तो आज से RC के 5 सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा आपको बाकी सारे टॉपिक्स के एग्जाम लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो कहां पे मिलेंगे, इसी कोर्स के अंदर जो टॉपर्स ईबुक फॉर इंग्लिश है उसको खोलेंगे, उसमें से डेली 10 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड आपको एक टाइम लिमिट सेट करके रखनी है कि आपको 5 क्वेश्चन 3 मिनट में आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। एक बार एक स्टॉपवॉच सेट कीजिए अपने फोन में, चेक कीजिए इसमें जो टॉपर्स ईबुक है उसमें से आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं 3 मिनट में कि नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं तो एग्जाम में भी बन जाएंगे, अगर नहीं बन रहे देन यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर वीक है तो आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एरर डिटेक्शन में आपको एक सेंटेंस दे देते हैं, आपसे बोलते हैं इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको फाइंड करके आपको मार्क करना है। अगर आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता हैं जो बैंक एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है वो रूल्स, ठीक है, मैं कोई भी रूल्स की बात नहीं कर रहा, तभी आप इन क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्विकली कर पाओगे, कम टाइम में कर पाओगे,
स्पीड ग्रामर ई बुक इसके अंदर गिवन है इंग्लिश सेक्शन में, उसको कीजिए, उसमें से डेली 3 पेज पढ़िए ग्रामर के रूल्स, उसके एग्जाम्पल्स को समझिए। जब आप उन्हें समझोगे तब जाके आप धीरे धीरे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी इन एरर डिटेक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बाकी सारे जो टाइप के क्वेश्चन है वो आपको टॉपर्स ई बुक में मिल जाएंगे। वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें, टॉपर्स ई बुक जो इस कोर्स के अंदर गिवन है, ठीक है, उसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाते हैं वोकैबुलरी के, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं बैंक के एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब इसमें गिवन है। इसी के साथ इसका एक बहुत अच्छा फीचर है कि इसमें डेली बेसिस पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नए नए देते रहते हैं। जैसे आज की जो डेट है, आज की डेट में आपको नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। उसी इंग्लिश सेक्शन के अंदर इस कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डेली सेक्शन है, वहां डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं आपको विद आंसर्स। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें सब कुछ विद सॉल्यूशन विद प्रॉपर आंसर गिवन है, ताकि आपके मन में पूरी क्लैरिटी रहे। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था मैंने एग्जैक्ट ये प्लान फॉलो कर रहा था, मेरी इंग्लिश भी एवरेज ही थी, बट आफ्टर फॉलोइंग दिस एग्जैक्ट प्लान फ्रॉम दिस कोर्स आई वॉज एबल टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश एक गेम चेंजर है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग पे आ जाते हैं। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर मैथ्स और रीजनिंग के इतने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, क्या मैं पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब से कर सकता हूँ, क्या वो इनफ है? नो, यूट्यूब से आपको क्या करना है, यूट्यूब को ऐसा नहीं है बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, यूट्यूब को भी हम यूज करेंगे, यूट्यूब से हम सिर्फ बेसिक्स सीखेंगे। यूट्यूब जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स सीखने के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है। आपको क्या करना है, डेली आप आधा घंटा यूट्यूब को दोगे, हाफ एन आवर 30 मिनट्स यू विल गिव टू मैथ्स, ठीक है। आधा घंटा आप जिस टीचर को फॉलो करना चाहते हो उसकी क्लास देखिए यूट्यूब पे, उनसे बेसिक कंसेप्ट को समझिए, बेसिक कंसेप्ट की वीडियो देखिए 30 मिनट, ठीक है। ऐसा ही आपको रीजनिंग के लिए भी करना है, रीजनिंग के लिए भी 30 मिनट बेसिक कंसेप्ट की वीडियो देखिए ऑन यूट्यूब विच एवर टीचर यू लाइक। उसके बाद इस कोर्स में आ जाइए, इसमें जो बेसिक क्वांट की ई बुक है मैथ्स की, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आज से आपको प्रैक्टिस करने हैं। वही सेम चीज है, आपको 3 मिनट्स की स्टॉपवॉच लगानी है, 5 मिनट में देखना है क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बेसिक के 10 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद इसी कोर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें आपको एग्जैक्ट वो क्वेश्चन दे रखे हैं जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी। तो 10 प्री के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये आपको करना है मैथ्स में। आधा घंटा आपने यूट्यूब देगा, बेसिक समझा यूट्यूब से, उसके बाद आपने कोर्स उठाया, इसमें बेसिक के 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके बाद आपने इसी कोर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेक्शन है वहां से 10 प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर अपने चेक करिए उसमें गिवन है। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो बता दूं ये पूरा कोर्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी इसी के अंदर अवेलेबल है, मतलब आपको और हिंदी के लिए भी आपको सारे क्वेश्चन हिंदी में भी मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, इंग्लिश में तो मिलेंगे। रीजनिंग में भी एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी, जस्ट लाइक मैथ्स, आधा घंटा यूट्यूब से बेसिक कंसेप्ट समझिए, इस कोर्स के अंदर जाइए, वहां से रीजनिंग की टॉपर्स ई बुक उठाइए, उसमें बेसिक लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन बेसिक के सॉल्व कीजिए, उसके बाद 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेरे मन में कुछ डाउट्स हैं क्वेश्चंस को लेके, मुझे लगता है ऐसी कोई और अप्रोच होनी चाहिए, तो मैं किसको रीच करूंगा इस कोर्स में? इसी के अंदर एक कॉन्टैक्ट अस सेक्शन होता है, उसमें आप जाके उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी आपका क्वेश्चन डाउट है उसका स्क्रीनशॉट आप उनको शेयर करो, वो आपको क्विकली सॉल्व करके देते हैं कि अगर आपको कोई और अप्रोच अच्छी लग रही है तो आप उन्हें शेयर कीजिए कि सर मैं इससे सॉल्व कर सकता हूँ, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। जो भी आपके डाउट्स हैं वो इसी के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है इनका ईमेल के थ्रू, तो वहां पे जाके आप ईमेल करिए इन्हें एंड दे विल गेट इन टच विद यू वेरी सून। सो इस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी, इससे आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ होती रहती है इस कोर्स से। एंड इसी के साथ कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो यूट्यूब पे नहीं सिखाई जाती, वो इस कोर्स के अंदर वीडियोस के फॉर्म में गिवन है। इसमें आपको बता रखा है कैसे किसी भी क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। जो प्रीलिम्स है वो पूरा का पूरा गेम है आपका स्पीड का, जितने कम टाइम में आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर दिए एग्जाम में तभी आप स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, बट हाँ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, बट गिवन टाइम लिमिट में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसको सॉल्व भी करना है, करेक्ट आंसर मार्क भी करना है। सो इसके अंदर जो शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस हैं, डेली एक वीडियो आप इसी के साथ देखिए, 1 फॉर मैथ्स 1 फॉर रीजनिंग आई वुड से। एक मैथ्स की वीडियो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स की इनसाइड द कोर्स, एंड एक देखिए रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक्स की इनसाइड द कोर्स के अंदर ही।
सो ये हो गया। अब बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव का बहुत अच्छी चीज इसमें मुझे लगी, इसमें डिस्क्रिप्टिव के मॉक टेस्ट दे रखे हैं जो कहीं नहीं मिलते देखने को। मतलब आपको पूरी प्रॉपर टाइम लिमिट के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि ऐसे अगर लिखना है तो प्रॉपर जैसा एग्जाम में आपको स्क्रीन दिखेगा बिल्कुल वैसा इसमें आ जाता है। आपको टाइप करना है, आप इजिली इसको फोन से भी एक्सेस कर सकते हो। ये पूरा कोर्स आपके मोबाइल फोन में चल जाएगा। मैंने मोबाइल से प्रिपरेशन करी थी एंड अभी मैंने लैपटॉप में देखा था, लैपटॉप में भी प्रॉपरली चल जाता है। तो आप दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो। इसमें मॉक टेस्ट दीजिए डेली एक डिस्क्रिप्टिव का। इसमें एक डिस्क्रिप्टिव की ईबुक है, ठीक है। उस कोर्स में जो ईबुक है उसमें सारे फॉर्मेट बता रखे हैं, एसे के, लेटर के कौन कौन से फॉर्मेट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर दिस ईयर, इस साल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, वो सब भी इसमें गिवे हैं। उन सबको कर डालिए प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट डेली आप देंगे, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव का आप वीकली भी दे सकते हो अगर चाहो तो अभी, क्योंकि अभी पहले प्रीलिम्स और मेंस दोनों की आप तैयारी करते हुए चल रहे हो। इसके बाद जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में स्टूडेंट क्या गलती कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर हमें पढ़ने हैं। 6 महीने के करंट अफेयर आपके एग्जाम में आएंगे, अभी से आपको अपने करंट अफेयर स्टार्ट कर देने हैं आज से, ठीक है, ये बात याद रखिए। बट 50% क्वेश्चन ही आपके करंट अफेयर से होंगे, बाकी का 50% होगा स्टैटिक बैंकिंग, स्टैटिक फाइनेंशियल न्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये सब कहां से करना है, इसी कोर्स के अंदर जो GA ईबुक है उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में। उन क्वेश्चंस को जरूर जरूर करना है आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर, उन्हें करके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो करंट अफेयर है उसके लिए इसी कोर्स के अंदर वीकली बेसिस पे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको प्रोवाइड होते हैं, तो वीकली वाला उसका करते रहिए, उससे वीकली नोट्स बनाते रहिए, रिविजन करते रहिए। एंड इसके साथ आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, वहां से आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को पढ़िए वीडियो देख के, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव हो गया, GA भी हो गया। अब आपको मॉक टेस्ट कब देने हैं? मॉक टेस्ट अभी आपको नहीं देने, जब आपकी प्रिपरेशन सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप ये कोर्स के सारे कंटेंट्स कवर कर लो, ठीक है। जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ ये आपका प्रॉपरली हो जाए, एग्जाम में जब 1 महीना बचेगा, 1 से 1.5 महीने पहले आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। मॉक टेस्ट सिर्फ आपको अवेयर करता है कि एग्जाम के पैटर्न के साथ कि टाइम लिमिट ये है, स्क्रीन अच्छा ऐसा आएगा, ये सब आपको करना है। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहते हैं। मॉक में जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आते। कोई भी आप कंपनी का मॉक उठा के देख लेना, जो उसमें क्वेश्चन होंगे और जो एग्जाम में आप क्वेश्चन देने जाओगे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इट इज नॉट एग्जाम लेवल इन साइड द मॉक। जो मॉक में क्वेश्चन होते हैं वो या तो बहुत ज्यादा टफ होते हैं या बहुत ज्यादा ईजी होते हैं, बट एग्जाम लेवल के नहीं होते। तो वो सिर्फ आपको प्रिपेयर करता है मेंटली टाइम लिमिट के साथ, ठीक है। तो इसी कोर्स के अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, मतलब एग्जाम टाइम में जब आपका SBI PO एग्जाम आने लगेगा तो इसी के अंदर वो अनलॉक हो जाता है। तो उसमें सारे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, अलग से कोई मॉक टेस्ट खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको सारी डिजिटल बुक्स, सारा प्रैक्टिस मटेरियल, सारी शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस, मॉक टेस्ट, और इसके बाद जब आप प्री और मेंस क्लियर कर लोगे इसके थ्रू तो इंटरव्यू गाइड भी इसी के अंदर गिवन है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इसी कोर्स से आपकी हो जाएगी। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेटजी। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे मैं अगले हफ्ते स्टार्ट कर लूंगा, मैं अगले महीने स्टार्ट करूंगा ये प्लान, बट वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। जो स्टूडेंट सीरियस है उसे आज से, राइट नाउ यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जिस स्टूडेंट ने आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर ली वो डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाएगा। आई कैन गारंटी दैट यू विल गेट सिलेक्टेड अगर आप आज से ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अब जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो सोचेगा यार मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, एंड दो स्टूडेंट्स विल नेवर गेट सिलेक्टेड। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब वो आप अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले से वो लोग इसको, इस कोर्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो आज मैंने उन्हें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी दे दी है, तो वो लोग आज से इस स्ट्रैटेजी पे भी लग जाए। सो दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर यू। अगर आपको इस साल सिलेक्शन लेना है, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन From today, all the best.